किस्मत कहें, मुकद्दर कहें, जैसे ही अलबरकात स्कूल में मैं एंटर कर रहा था, गेट पे दो बच्चों की बातें सुनी। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि तुम्हें भी प्राइज मिलेगा क्या? दूसरा बच्चे की जो बात थी उसने मुझे कह दिया कि आज मुझे उस मौजू पे नहीं बोलना जो सोच कर आया था। दूसरा बच्चा मायूस होकर बोलता है, मेरी कहां ऐसी किस्मत कि मुझे प्राइज मिले। आवाज में दर्द था और निगेटिविटी इस कदर छाई थी जो ये इशारा कर रही थी कि गोया उसे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। एहसासे कमतरी का शिकार है वो बच्चा। बहरहाल खैर, मैं पहचानता भी नहीं हूं, पहचानता तो शायद नाम ना लेता, लेकिन बात यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम हुआ, मुसलसल हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अवार्ड मिलता है। जाहिर सी बात है, सबके लिए अवार्ड तो नहीं होता, तो जो बेहतर परफॉर्मर होते हैं अवार्ड से उन्हीं को नवाजा जाता है। बहरहाल मेरा एक शेर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं और अवार्ड से महरूम रह जाते हैं, कि शिकस्तो फतह तो नसीब से है वलेकिन, शिकस्तो फतह तो नसीब से है वलेकिन, मुकाबला तो दीने नातवा ने खूब किया। तो मुकाबला कीजिए, शिकस्त और फतह की सोच से ऊपर उठिए। और मैं बात यहां से शुरू करता हूं अपना, कि ये मेरा अकीदा है कि आदम की औलाद और मोहम्मद की उम्मत हार नहीं सकती। अल्लाह ने आदम को या इंसान को दुनिया का खलीफा बना करके जा, खलीफा कैसे हार सकता है, कैसे नाकाम हो सकता है? सोच बदलिए। एक कॉम्पिटिशन आपकी सलाहियत को आंक नहीं सकता। यह गलतफहमी है आपको कि कोई एक एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या क्यूज कॉम्पिटिशन हो, वो आपके अंदर जो अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें भेजी हैं, बख्शी हैं, उसको मापने के लिए है, मेजर करने के लिए है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आप जिंदगी के किसी एक पहलू पे कमजोर हो, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितने ज्यादा हिडन पोटेंशियल्स हैं। शायद इसी वजह से इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं है तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परफॉर्मर हो। और ये रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास कि उसके अंदर दूसरे शोबों में अच्छा परफॉर्म करने की बेहिसाब सलाहियतें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने बासलाहियत भेजा है, बेसलाहियत नहीं भेजा है। एक बात बेटी की कन्वर्सेशन में बताना चाह रहा हूं यहां पर, आपको दो मिनट का टाइम लेंगे। एक बार एक बच्चे ने बोला अपने वाले से, उसी तरह का वो बच्चा था, मसलसल एग्जाम में खराब परफॉर्मेंस था, तो मस्जिदों में तकरीरों में सुनता था वो कि इमाम साहब कहते हैं कि इंसान अशफुल मखलूक है। तो एक दिन ऐसे सोचा हुआ बैठा हुआ था, वो अपने वालिद को पूछता है, क्या मैं भी अब्बा हुजूर अशफुल मखलूक हूं? वालिद बोलते हैं, बेशक, कोई शक नहीं है इसमें, तुम अशफुल मखलूक हो। कहता, मैं तो फेल होता हूं। तो अशरफ अफजल कैसे हुआ? एक फेलियर स्टूडेंट, नाकामयाब स्टूडेंट अफजल कैसे हो सकता? बाप ने हिकमत समझाने के लिए बेटे को अपने जेब से एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि यह पत्थर ले जाकर बाहर मार्केट में अलग अलग लोगों से इसकी कीमत दरियाफ्त करो। बेचना नहीं है, सिर्फ कॉस्ट का पता लगाना है कि यह पत्थर कितने का हो सकता है, यह पत्थर क्या है। बेटे ने जाहिर सी बात है पहले इस किस्म का चमकता हुआ पत्थर नहीं देखा था। घर से बाहर निकलता है, किराने स्टोर वाले के पास जाता है और कहता है कि अगर ये पत्थर मैं आपको दे दूं तो इसके एवज में आप मुझे क्या देंगे? दुकानदार ने भी इस किस्म का पत्थर पहले कभी देखा नहीं था, तो उलट पुलट कर देखता है अपनी अकल अपनी समझ के
हिसाब से उसकी कीमत का अंदाजा लगाता और कहता है कि इस पत्थर के एवज में मैं तुम्हें एक बोरा आलू दे दूंगा, ये ले जाओ। कहा बस एक बोरा आलू? कहा मेरे हिसाब से इसकी कीमत इससे ज्यादा की नहीं, चमकदार है, शायद मार्केट में बेचेंगे तो एक बोरा से ज्यादा आलू इसकी नहीं मिल पाएगी कीमत, इसलिए तुम ये ले जाओ। बाप ने कहा था बेचना नहीं है पत्थर को, तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ता है, आगे फल वाले की दुकान पे जाता है और कहता है फल वाले को ये पत्थर देकर, अगर ये पत्थर मैं आपको दे दूं तो इसके बाद में आप मुझे क्या देंगे। फल वाले ने भी ऐसा चमकदार पत्थर कभी देखा नहीं था, उलट पुलट कर देखता है, अकल लगाता है और कहता है चलो ऐसा करो कि इस ठेले पे जितना फल है सब ले लो, ये पत्थर दे दो, चमकदार चीज है, कुछ ना कुछ तो कीमत मिल ही जाएगी, तो ले जाओ इसको। वो आगे बढ़ता है, सोनार की दुकान पे जाता है और कहता है कि ये पत्थर अगर मैं आपको दे दूंगा तो इसके बाद में आप क्या देंगे। सोनार उलट पुलट कर देखता है, कहता है कि ऐसा पत्थर तो आज तक कभी देखा ही नहीं, वो ये अच्छा कीमती मालूम होता है, वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाता है और कहता है कि मेरी दुकान में जितने सोने सब ले जाओ। अब वो बच्चा हैरत ज़दा है कि कहां एक बोरा आलू मिल रहा था किसी पत्थर के एवज में, अगर मैं बेच देता तो सिर्फ मेरे जेब में एक बोरे आलू की कीमत आती। मैं आगे बढ़ा, फल वाले ने ये अंदाजा लगाया कि ठेले पर जितना फल है सब ले जाओ, सिर्फ उसी एक पत्थर का, अलग अलग लोग अलग अलग दाम। अब यहां पूरे शोरूम का सोना मिल रहा उसी पत्थर के एवज में। बहरहाल आगे बढ़ा, जोहरी के पास गया जिसको हीरे की परख है। बहुत देर तक जोहरी उस पत्थर को देखता रहा, उसके बाद कहा वल्लाह पूरी कायनात की बेस गुना तो इस पत्थर का मुकाबला नहीं हो सकता, ये नायाब है, बेस कीमती है, कहां से मिला तुम्हें ये पत्थर। वो लेकर वापस आता है और कहता है वाली से कि समझ में नहीं आया अब्बा हुजूर, ये पत्थर क्या हां से आया, कैसे दिया, क्यों दिया, अलग अलग रूम अलग अलग कीमत बता रहे हैं। कहा ये पत्थर इंसान है, अल्लाह की नजर में चमकता हुआ रोशनदान जो बेकीमती है, इसकी कीमत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, सलाहियतें इतनी ज्यादा है, चमक इतनी ज्यादा है कि इसकी सिर्फ समझ उसी को है जिसको इल्म है गायब का। जो आप ये सोच रहे हैं कि आज एग्जाम हमने दिया और फेल हो गए, आपको नहीं पता है कई बार अल्लाह आजमाता है देकर कई बार लेकर, क्या पता आपके लिए कामयाबी अच्छी न होती तो अल्लाह ने आपको यहां पर फेल कर दिया। हो सकता है आगे बहुत कुछ देना चाहता है अल्लाह और अल्लाह देता है, उस पर अकीदा रखें, ईमान रखें और मेहनत करें। तो सोचने की बात है, तो उस बच्चे की उस बात से मेरे दिल को ये बड़ा सदमा पहुंचा कि वो बच्चा इतना मायूस है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप अशरफुल मखलूक हैं और अशरफुल मखलूक ऊपर रहता है हमेशा, तो वो सोच पैदा कीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात चल रही थी तो मैं बताऊं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तीन चीजों के बिना अधूरा है, उसको साइंस के लैंग्वेज में 3C भी कहते हैं। फर्स्ट सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरा जो सी है वो कम्युनिकेशन स्किल है, जिसकी सर ने भी बात की थी, और तीसरा सी जो है वो क्रिएटिविटी है। और अफसोस की बात सर भी सही बोल रहे हैं कि 90% लोग खासतौर से क्रिएटिविटी वाला सी खो चुके हैं, उनके पास नहीं है। और ये तमाम सलाहियतें मुसलमानों के अंदर होती थी, वो जमाना था कि मुसलमानों के अंदर सलाहियतें होती थी, खैर हमारा वक्त बहुत कम है तो मैं आखिरी उस बात पे आ जाता हूं जो मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। पानीपत की जंग हुई हिंदुस्तान में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1,20,000 की फौज थी, सामने अपोनेंट में कौन है, इब्राहिम लोदी, दिल्ली डायनेस्टी के आखिरी बादशाह, रागा सागा, कितनी फौज है, 3,60,000। रागा सागा के पास 3,60,000 की फौज है
और बाबर के पास 1,20,000 की फौज है, मुकाबला इनका है। बाबर की फौज जब देखती है 3,60,000 फौज को तो हौसला पस्त हो जाता है। वो कहती है, बाबर हमें तुम यहां परवाने के लिए लाए हो, हम मुकाबला नहीं कर सकते। अफरा तफरी मच जाती है। बाबर बोलता है, 2 मिनट का मुझे टाइम दो, सब बंदी करो, पहाड़ पे खड़े होकर। बाबर वो 2 मिनट का खुतबा देते हैं। वो खुतबा इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है कि वो मोटिवेट करने के लिए काफी था। और उसके बाद उस खुतबे के खत्म होने के बाद बाबर की फौज आगे बढ़ी और 3,60,000 के लश्कर को शिकस्त देती है और यहां मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश करती है। वो जुमला था जो मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों से कि बाबर अपनी बात शुरू करते हैं, कहते हैं, ये जिस्म मौत की अमानत है, मरना तो है, कायरों की तरह क्यों मरा जाए, ये जिस्म मौत की अमानत है, मशहूर और कामयाब होना इंसान की अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और आकर ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चलकर ले ले जो हमारी अमानत है। बहुत शुक्रिया। कॉम्पिटिशन प्राइजेस से शुरुआत करेंगे और उसके बाद रैंक की तरफ बढ़ेंगे।